नमस्कार, तंदूरी तड़का में आपका स्वागत है। आज हम पनीर, शिमला मिर्च और प्याज की बहुत ही बेहतरीन सब्ज़ी बनाने जा रहे हैं। उसके लिए मैंने 100 ग्राम पनीर लिया है। इसको मैंने पीसेस में कट कर लिए हैं। ग्रेवी के लिए हमें एक प्याज, 4 से 5 लहसुन की कली, 2 हरी मिर्च ये हम लेंगे, एक प्याज, एक शिमला मिर्च और एक टमाटर मैं अलग से लूँगी। इनको मैंने कट कर लिया है। चलिए शुरू करते हैं। एक कढ़ाई में हमने 2 चम्मच तेल लिया है। इसमें हम पनीर को फ्राई करेंगे। पनीर हमारा सिक चुका है। अब हम इसी तेल में प्याज, शिमला मिर्च और टमाटर को सेकेंगे, लेकिन एक एक करके। तो पहले मैं प्याज को सेकती हूँ। प्याज हमारी सिक चुकी है। अब हम शिमला मिर्च को सेकते हैं, ये भी सिक चुकी है। अब हम टमाटर सेकेंगे। ये तीनों मैंने निकाल लिए हैं। अब हम एक कढ़ाई में 2 चम्मच तेल लेंगे। इसमें हम ग्रेवी के लिए प्याज, लहसुन और हरी मिर्च साथ में सेकेंगे। इनको मैंने पीस लिया है। अब हम तेज़पत्ता, दालचीनी, 2 लौंग, 1 इलायची लेंगे। अब 1 चम्मच हम जीरा लेंगे, 1 पिंच हींग लेंगे। इसमें हम पिसा हुआ ग्रेवी के लिए प्याज डालेंगे, ये मसाले डालेंगे। अब हम 1 चम्मच लाल मिर्च, 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच गरम मसाला और नमक स्वाद अनुसार लेंगे। इनको मैंने पानी में घोल लिया है और फिर डाला है। अब 1 चम्मच हम जिंजर गार्लिक पेस्ट लेंगे, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, और इसको अच्छे से सेकेंगे। ये देखिए तेल ऊपर आने लगा, मसाला हमारा सिक चुका है। अब मैं 2 चम्मच फ्रेश क्रीम लूँगी, वो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। अब हम 1/2 कप पानी मिलाएंगे इसमें। ये मैंने क्रीम की ही प्लेट ली थी। अब हम इसमें ये सब प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च मिला देंगे, पनीर मिला देंगे। अब हम इसको चलाएंगे और थोड़ी देर इसको पकने देंगे। बस झटपट हमारी सब्जी रेडी है। देखिए कितनी अच्छी सब्जी बनी है।